बनाने जा रहे हैं बची हुई रोटी से एक नया नाश्ता। तो ये नाश्ता आपको भी पसंद आएगा। और ये देखिए, मैंने मेरे पास तो बची हुई रोटी नहीं थी, तो मैं रोटी बना रही हूँ। तो ये मैंने एक कप आटा लिया, उसमें एक चम्मच घी डाल दूँगी और घी डाल के और थोड़ा इसको मिक्स करूँगी आटे में अच्छी तरह कि आटा और घी एक जी हो जाए। और इसमें अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और आटा तैयार कर लेंगे। अगर आपके पास बची हुई रोटियां हैं तो उसको आप तवे पे दोनों साइड अच्छी तरह सेक के और उसकी सिकाई अच्छी कर लो, जिससे रोटी हमारी कड़क हो जाए। ये देखिए, ये मैं आटा तैयार कर चुकी हूँ, तो अब मैं इसकी रोटी बना लूँगी। ये मैंने रोटी बना लिया है और अब इसको तवे पे सेक लूँगी दोनों साइड। मैं इसको फुलाऊंगी नहीं, तवा दबा के अच्छी तरह सेकूंगी। और अब इसको थोड़ा सा दरदरा कर लेंगे रोटियों को मिक्सर में डालकर। ये देखिए, बिल्कुल बारीक नहीं करना है, बस हल्का सा दरदरा रखना है। और अब इसमें पीसी हुई चीनी डालेंगे एक कप छोटा वाला, और घी को गरम करेंगे। घी गरम करके ही डालना है, तो मैंने ये आधा कप लिया है घी का। और अब इसमें चौथाई चम्मच इलायची पाउडर डाल देंगे। आप ये लड्डू बनाओगे तो आपको बिल्कुल चूर में जैसा स्वाद आएगा। मैंने काजू बादाम को थोड़ा सा दरदरा कर लिया है और अब इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह, अच्छी तरह मिलाएंगे इसको। आप इसको ऐसे ही रखना चाहते हो ऐसे रख सकते हो, और नहीं तो आप इसके लड्डू बना सकते हो। मैं लड्डू बनाऊंगी। ये लड्डू बना लिए मैंने, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो देखिए, लड्डू तैयार हो चुके हैं। जब भी आपका मीठा खाने का मन करे तो आप ये ज़रूर बना सकते हो, ये सबको पसंद आएगी, बड़े से लेके बच्चों तक। ये मैंने थोड़े से पिस्ते लगा लिए हैं इसके ऊपर।